हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, एचएफसीएल लिमिटेड की जून क्वार्टर की फाइनेंशियल रिजल्ट पेश हो चुका है। ऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट आउट हो चुका है, बोथ स्टैंडअलोन और कंसोलिडेटेड का फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट है, आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, यहां पे देखिए, लेफ्ट में स्टैंडअलोन, राइट में कंसोलिडेटेड नंबर करोड़ में। पहले कंसोलिडेटेड कवर करेंगे। इनकम 1168.4 करोड़ का, मार्च 24 में 1339.6 करोड़ का और जून 23 में 1008.3 करोड़ का इनकम है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर डाउन है, ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है। एक्सपेंस 1049.7 करोड़ का, मार्च 21-4 में 1190 करोड़ का और जून 23 में 905.9 करोड़ का एक्सपेंस हुआ था। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में डाउन है इनकम के अकॉर्डिंग, लेकिन ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 118.7 करोड़ का, मार्च 24 में 149.4 करोड़ का और जून 23 में 102.5 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में डाउन है, ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है। नेट प्रॉफिट कंपनी का है इस बार का, अगर देखा जाए तो कंपनी का जो प्रॉफिट जनरेट किया है इस बार 110.6 करोड़ का, मार्च 24 में 109.3 करोड़ का, जून 23 में 75.5 करोड़ का प्रॉफिट है। क्वार्टर क्वार्टर में वापस से इंक्रीज किया, रीजन क्या है, टैक्स जो कि इस बार बहुत कम चार्ज किया, लेकिन ईयर ऑन ईयर में प्रॉफिट में इंक्रीज किया है। EPS 0.77 रुपीज़ का, क्वार्टर ऑन क्वार्टर में एवरेज इंक्रीज है, लेकिन ईयर ऑन ईयर में बहुत ही स्ट्रॉन्ग जंप देखने को मिला है। अगर हम स्टैंडअलोन रिजल्ट्स को कवर करेंगे, इनकम 1076.6 करोड़ का, मार्च 24 में 1251 करोड़ का, जून 23 में 893.4 करोड़ का इनकम है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में डाउन है, ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया। एक्सपेंसेस 953.5 करोड़ का, मार्च 24 में 1097.9 करोड़ का और जून 23 में 827.59 करोड़ का एक्सपेंस हुआ था। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में डाउन है, ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 123 करोड़ का, मार्च 24 में 153.3 करोड़ का और जून 23 में 65.5 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में डाउन है, ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है। नेट प्रॉफिट 113.9 करोड़ का, मार्च 24 में 115.4 करोड़ का और जून 23 में 48.7 करोड़ का प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में डाउन है, ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया। स्टैंडअलोन में क्वार्टर ऑन क्वार्टर की प्रॉफिट डाउन है, लेकिन कंसोलिडेटेड में क्वार्टर ऑन क्वार्टर की प्रॉफिट में एवरेज इंक्रीज किया। EPS 0.79 रुपीज़ का, क्वार्टर ऑन क्वार्टर में डाउन है, ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है। सेगमेंट वाइज टेलीकॉम प्रोडक्ट्स, टर्नकी कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सर्विसेज, अदर्स, इन तीनों से रेवेन्यू जनरेट कर रही है, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर में डाउन है, लेकिन ईयर ऑन ईयर के इनकम में इंक्रीज किया है। तो गाइज, कंपनी का जो रिजल्ट आया ना, एवरेज रिजल्ट पेश किया, क्योंकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर के इनकम प्रॉफिट में थोड़ा सा इंपैक्ट पड़ा है। रिजल्ट इसका आया है 545 में, इसका रिजल्ट आया है 119.7 रुपीज़ पर शेयर क्लोज किया। आज 6.3% का प्रॉफिट दिया है, 5 डे में 1% का प्रॉफिट है और 1 मंथ में 2.5% का प्रॉफिट और 6 मंथ्स में 13% का प्रॉफिट है। कंपनी एक सपोर्ट लिया था कुछ टाइम पहले, एक बहुत बड़ा सपोर्ट लिया था 23 जुलाई को, कल के दिन 112.53 रुपीज़ पर, लेकिन उसके बाद कंपनी बहुत अच्छी ग्रोथ हुआ। अगर कल के दिन पॉजिटिव ओपन होता है तो आप इसमें एंट्री कर सकते हो, अगर नेगेटिव ओपन होता है तो आप थोड़ा वेट कर सकते हैं गाइस। तो हम लोग जो है वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।